आमतौर पर इंडेक्स फिंगर से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना भी शक या सीक्रेटनेस का साइन है एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं जो आमतौर पर इस पॉस्चर में आ जाता है आप पाएंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड है वो कंपटीशन का मजा लेता है अगर आप दूसरे के हाव भाव और फीलिंग्स को नहीं पहचानते हैं तो ये एक मुश्किल का कारण बन सकती है आपके बच्चे बॉस कस्टमर या किसी अनजान इंसान के ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइन आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे आप उनके साथ खुलकर बात कर सकेंगे और लोग आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे लोग जान अपनी बात छिपाना चाहते हैं वो अपने हाथों को अपने मुँह आरोप रखकर लेनर ऐसी छह से बारह इंच की दूरी पर बात करते हैं ये सिग्नल है की वो नर्वस है एक हाथ को पीठ के पीछे पकड़ना और कसकर दबाना जबकि दूसरे हाथ से कलाई ये आम को पकड़ना सेल्फ कंट्रोल का एक नॉर्म तरीका है बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे पास बोलने से भी पहले बॉडी लैंग्वेज थी और एक कन्वर्सेशन में आप 80% परसेंट चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं वर्ड से नहीं हेलो दोस्तों रीडर बुक क्लब में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बुक रीड पीपल लाइक बुक के बारे में सीखेंगे जिसे किंग ने लिखा है इसमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उनके बिहेवियर के बारे में जानने में हेल्प मिलेगी ये बुक ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर को समझने के बारे में अच्छी गाइड है इससे आप अपने डेली लाइफ के छोटे छोटे सिग्नल के जरिए अपनी और दूसरों की मेंटालिटी को समझेंगे पैट्रिकिंग इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर और सोशल स्किल कोच है उनकी लर्निंग इतनी प्रैक्टिकल इसलिए है क्यूँकी वो इसे साइंटिफिक रिसर्च अकेडमिक एक्सपीरियंस कोचिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अलग अलग सोर्सेज की हेल्प से लिखते हैं लोगों को रीड करने की आर्ट सच में ह्यूमन नेचर को समझने के लिए जरूरी आर्ट है इसे एक चीट कोड की तरह समझें, जो आपको लोगों के उन एक्शंस और वर्ड्स को देखने में हेल्प करेगा जो वो सच में करते हैं और कहते हैं बुक को आसानी से समझाने के लिए हमने इसके इम्पोर्टेंट लेसन को तेरह चैप्टर में डिस्कस किया है जिसमें इस बुक की सभी बारीक डिटेल कवर की जाएंगी लेकिन इससे पहले की आप इस वीडियो में खो जाए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कई बार हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है तो चलिए फिर शुरू करते हैं ओपननेस ओपननेस के साइन से आपको झूठे और सच्चे इंसान को पहचानने में हेल्प मिलेगी ऐसे कई साइन हैं जो ओपननेस को दिखाते हैं इनमें से पहला है खुले हाथ एक ऐसी फीलिंग जिसे हम में से ज्यादातर लोग आसानी से ईमानदारी और खुलेपन के साथ जोड़ते हैं वो है खुले हाथ जब लोग बहुत निराश हो जाते हैं तो वो अपने खुले हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हैं और इस तरह के जेस्टर करते हैं आप मुझसे क्या चाहते हैं इसके अलावा कंधे उचकाने की पोजीशन के साथ खुले हाथ जिसमें हथेलियां ऊपर की तरफ भी होती हैं। लोग इस पोजीशन का इस्तेमाल कई एक्सप्रेसिव तरीके से करते हैं न सिर्फ अपनी सच्ची फीलिंग को दिखाने के लिए बल्कि सामने वाले के बोलने से पहले ही कैरेक्टर को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों को देखे जब उन्हें अपनी अचीवमेंट पर गर्व होता है तो खुलेआम हाथ दिखाते हैं लेकिन जब वो किसी सिचुएशन के बारे में गिल्टी और सस्पेक्टेड महसूस करते हैं तो वो अपने हाथ या तो अपनी जेब में या अपनी पीठ के पीछे छपा लेते हैं अगला सिंबल है कोट खोलना जो लोग आपके लिए ओपन या फ्रेंडली होते हैं वो अक्सर आपकी प्रेजेंस में अपने कोट के बटन खोलते हैं यहाँ तक कि उसे उतार भी देते हैं ऑथर के एक रिसर्च में एक मीटिंग की एक वीडियो टेप रिकॉर्ड की गई जिसमें पाया गया कि जिनके कोट के बटन खुले हुए थे उनके एग्रीमेंट के ज्यादा चांसेस है जिसने अभी अभी अपना मन आपकी बातों से एग्री होने के लिए बदला है वो अपनी बाहें फैलाकर अपने कोट के बटन खोल लेगा उसे उसी पोस्टर में रखने से आपके म्यूचुअल पर्पज ज्यादा आसानी से हासिल किए जा सकते हैं कई बार जब बातचीत अच्छी चल रही थी तो आपने एक साथ आने का साइन नोटिस किया होगा जिसमें ग्रुप में बैठा पर्सन अपने कोट के बटन खुलता है अपने पैरों को खुलता है और कुर्सी के किनारे की तरफ डेस्क या टेबल के करीब जाता है ये सिग्नल ज्यादातर मामलों में वर्बल बातचीत के दौरान होता है जो आपसी एग्रीमेंट सोल्यूशन या आमतौर पर दोनों की जरूरतों के लिए मिलकर काम करने के पॉजिटिव एक्सप्रेशन को दिखाता है डिफेंसिवनेस अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस किए हुए एम्पायर के साइन को हर प्लेयर जानता है इसमें रेफरी ये कहना चाहता है कि वो अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए तैयार है यानी कि इस बारे में दूसरे रेफरी से बात की जाए इसके अलावा अपने डिफेंसिव जेस्टर के रूप में हाथ को चेस्ट पर क्रॉस करके प्लेयर को ये जेस्टर देता है की आपने बहुत ज्यादा बहस की है इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता क्रॉस आर्म पोजीशन हमारी डेली लाइफ में नॉर्मल है और डिफेंसिवनेस को दिखाने के लिए दुनिया भर में इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते टाइम अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं इस पोजीशन में लोग किसी अचानक हमले या किसी फिक्स चीज के अपोजिट अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं ऑथर के रिसर्च किए गए सभी सिग्नल में से ये जेस्टर समझने में सबसे आसान है ये एक ऐसा जेस्टर भी है जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है चार या ज्यादा लोगों के ग्रुप में आप डिफेंसिव पोजिशन में अपनी बाहों को क्रॉस करके पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस फीलिंग को न सिर्फ सुनते टाइम टाइम बल्कि बोलते भी बनाए और ध्यान दें ग्रुप के दूसरे लोग कितनी जल्दी आपकी पोजिशन को फॉलो करते हैं एक बार जब उनमें से दो लोग इस पोस्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं तो दूसरे मेंबर भी इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसा करके आपके लिए ग्रुप को छोटे सब ग्रुप्स में बांटना या उन लोगों से अपनी बात मनवाना आसान होगा अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि जब सामने वाला इंसान अपनी बाहों को क्रॉस करता है तो वो सिग्नल दे रहा है कि वो डिफेंसिव हो गया है जिन्हें ये पता नहीं होता वो लोग डिफेंसिव पर्सन से जुड़कर उसकी फीलिंग को बाहर लाने और ये पता लगाने के बजाय कि उसकी क्या जरूरतें हैं अपनी उसी बात को जारी रखते हैं जिसके कारण दूसरा इंसान पहले डिफेंसिव हो गया था जिससे अक्सर डिफेंसिव पर्सन आपकी बातों के लिए अपने माइंड को क्लोज करने लगता है और आप जो भी कह रहे हैं उसे डिनाई करता है इसलिए जब आप अपने सामने वाले को ऐसा करते हुए देखें, तो उससे जो बात कर रहे हैं या जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस बारे में दोबारा सोचें और जहाँ जरूरत हो बदलने की कोशिश करें। इवेल्युएशन जब इंसान ऐसी पोजीशन में होता है तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी तरह से खोया होता है जो लोग गाल पर हाथ रखकर एक थिंकर की तरह पोस्टर बनाते हैं वो किसी तरह के ध्यान में शामिल होते हैं जिसमें कभी कभी उनकी आंखें हल्की हल्की झपकने लगती हैं। इससे वो अपने चेहरे पर हाथ लाते हैं अपने चिन्ह को हथेली में रखते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को अपने गाल पर लाते हैं बाकी उंगलियां मुंह के नीचे रहती हैं। इसमें बोलने वाले के लिए उनका थॉट पैटर्न नेगेटिव होता है तो आपका काम उनके एवेल्युएशन को इंटरेस्ट में बदलना है अगला साइन है सिर्फ थोड़ा सा झुका सोचना चार्ल्स डाविन ने अपनी स्टडीज में देखा कि जानवर और इंसान जब भी कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है तो वो अपना सिर झुका लेते हैं बहुत कम उम्र से फीमेल से फीमेल्स आसानी साइन के को समझती हैं। ये ध्यान से सुनने का सिग्नल है जिस आदमी को वो इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, उसके साथ बातचीत करते टाइम वो इसका इस्तेमाल करती हैं। एक बार जब स्पीकर को इस फीलिंग के बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा पॉजिटिव तरीके से जुड़ सकता है और इससे अंदाजा लगा सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है ये स्पेशली तब हेल्पफुल होता है जब स्वीकार कर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कवर करना चाहता हो लेकिन जब ये ओवरलोड होने लगता है तो लिस्नर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेश के लिए अपना डिस इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें बॉडी पॉस्टर बदल जाते हैं सिर झुकने के बजाय सीधा हो जाता है पीठ सीधी हो जाती है और फिर झुक जाती है छत पर घड़ियों पर और दूसरी चीजों पर नजर जाने लगती है और कुछ लोग अपनी बॉडी को इस तरह से रखना शुरू कर देते हैं कि वो बाहर निकलने की तरफ जेस्टर कर रहे हूँ अगर बातचीत इस लेवल तक पहुँच गई है तो स्पीकर होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि वो नॉन वर्बली आपको रुकने का सिग्नल दे रहे हैं सस्पिशन एंड सिक्रेटिवनेस पैर या पूरी बॉडी को एग्जिट की तरफ रखना इसका साइन है कई बार आप देखेंगे कि अचानक कोई अपनी बॉडी को इस तरह झुकाकर बैठ गया है कि उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं। ये जशर एक क्लियर साइन है कि वो मीटिंग बातचीत या जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करना चाहता है उसकी बॉडी का बदलना आपको बता रहा है कि वो जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए अवेयर होना एक बात है और इसके बारे में कुछ करना दूसरी बात है या तो उसको अपनी तरफ मोड़ने और आगे की तरफ झुकाने के लिए कुछ अलग करें, या उसे जाने दे किसी ऐसे इंसान से बात करते रहना जो जाना चाहता है लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है पब्लिक में आपसे मिलने वाले लोग भी ऐसे ही सिग्नल देते हैं कभी कभी बातचीत के आखिरी घंटे के दौरान वो अपनी बॉडी को ऐसे पोस्चर में रखना शुरू कर देते हैं जैसे वो जाना चाहते हो एक स्मार्ट होस्ट की तरह आपको इस सिग्नल को नोटिस करना चाहिए और ईमानदारी से कहें देरी हो रही है जब हम साथ होते हैं तो टाइम जल्दी बीत जाता है ऐसा कहने पर आप देखेंगे कि आपके बोलने के बाद वो अपनी बॉडी को चेयर के किनारे की तरफ ले जाते हैं एक और सपोर्टिव साइन है कि वो सच में मीटिंग से जाना चाहते आम आमतौर पर इंडेक्स फिंगर से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना भी शक या सीक्रेटनेस का साइन है एक बार एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बर्ड के साथ बुक्स पर डिस्कशन कर रहा था जब उसे एक नई क्लासे बुक के बारे में उसकी राय पूछी गई तो स्टूडेंट ने अपनी नाक रगड़ी और कहा कि उसे ये किताब बहुत पसंद आई है प्रोफेसर ने कहा सच्चाई ये है कि आपको ये किताब पसंद नहीं आई है बातचीत करते करते स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया की कि उसने असल में सिर्फ कुछ पेज ही पढ़े थे और उसे वो अच्छे नहीं लगे रेडीनेस हिप्स पर हाथ रखकर खड़े होना रेडीनेस का साइन है ये ऐसे साइन में से पहला है जिसे हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं आप इसे अक्सर किसी खेल के दौरान तब देखते होंगे जब कोई एथलीट खेल में शामिल होने का इंतजार कर रहा होता है किसी बिजनेस मीटिंग में जब कोई इंसान अपने हिप्स पर हाथ रखकर या पैर फैलाकर खड़ा होता है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है की वो वहाँ मौजूद लोगो ऐसी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने में इंटरेस्ट रखता है इसके अलावा जब आप पूरे मोटिवेशन से किसी ऐसे गोल का पीछा कर रहे हो जिसे आप जरूरी मानते हैं तो अपने खुद के पॉस्टर पर ध्यान देना अक्सर आप भी ऐसे ही खड़े होते हैं एक हाई अचीवर अक्सर ऐसा करता है क्योंकि इससे वो नॉन वर्बली किसी गोल के लिए अपने डेडिकेशन को दिखाता है एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचे जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं जो आमतौर पर इस पॉस्चर में आ जाता है आप पाएंगे की वो अपने अकॉर्डिंग गोल ओरियंटेड है वो कॉम्पिटिशन का मजा लेता है इसे जानने के लिए ऑथर ने कई सालों तक उन पार्टिसिपेंट्स का रिकॉर्ड रखा जो उनके सेमिनार्स में शामिल हुए हैं उनमें से लगभग 75 परसेंट लोग सेमिनार के पहले घंटे के दौरान सवाल पूछते टाइम अपने कोट उतारे हुए बटन खोले हुए या तो हाथों के बल हिप्स के पोस्टर में थे ये ऐसा पॉचर है जिसमें सामने वाला ज्यादा कैपेबल होने की अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है हालांकि एक पॉजिटिव साइन है इसलिए आपकी तरफ से चिंता का कोई कारण नहीं है और अगर आप भी एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, तो आप उनके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी आइडिया शेयर कर सकते हैं इससे आपको मिलकर डिसाइड किए हुए गोल तक पहुँचने में हेल्प मिल सकती है रेडीनेस का अगला साइन ये है इसमें इंसान आमतौर पर कुर्सी के किनारे बैठना पसंद करता है कई वीडियो टेप रिकॉर्डिंग ऑथर ने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज करने हेल्प करने खरीदने एक्सेप्ट करने एग्री करने या कंक्लूजन निकालने के लिए तैयार होने पर इंसान कुर्सी के किनारे की तरफ बढ़ जाता है ये शो करता है कि वो इंसान पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार है याद रखें आखिरी बार आपने जब कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए थे कुछ मिनट पहले आप शायद अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठे थे अगर आपको डील पसंद नहीं आई तो उठने और जाने से पहले आपने सेल्समैन को अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए उसी साइन का इस्तेमाल किया होगा जो हमने पिछले चैप्टर में जाना सेल्स के कई जानकार लोग जिनके साथ ऑथर और उनकी टीम ने डिस्कशन किया वो इस बात से एग्री करते हैं कि लोग अपनी सीट के किनारे पर बैठकर बाय करने की अपनी एक्साइटमेंट को दिखाते हैं वो इस बात से भी अग्री थे कि जब कोई उन्हें सेल्स के बीच बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन को ऑफर करता है और फिर कुर्सी के किनारे पर बैठ जाता है तो कस्टमर उठकर जाने की तैयारी कर रहा होता है अगर आप एक सेल्समैन हैं और खोई हुई सेल्स को दोबारा वापस पाना चाहते हैं तो ये बाउंस बैक करने का टाइम है अगर आपके पास उस कस्टमर का इंटरेस्ट अपने सामान में वापस जगाने के लिए कुछ नया नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपना टाइम किसी दूसरे पोटेंशियल कस्टमर में लगाएं। रेडीनेस का अगला साइन है फैली हुई आर्म्स जब आपके हाथ में किनारे को पकड़ रहे हैं बैठने या खड़े होने के दौरान ये पॉस्टर एक मजबूत कमांड के साथ ये कहने का सिग्नल है की मेरी बात सुनो मुझे कुछ कहना है उस कंडीशन को इमेजिन करे जहाँ जूनियर इस पॉस्टर में अपने सीनियर ऐसी कहता है आप मुझे जॉब ऐसी क्या निकालेंगे मैं खुद ही जॉब छोड़ देता हूँ अगर आप दूसरे के हाव भाव और फीलिंग्स को नहीं पहचानते हैं तो ये एक मुश्किल का कारण बन सकती है आपके बच्चे एम्प्लॉय बॉस कस्टमर या किसी अनजान इंसान के ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइन आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे आप उनके साथ खुलकर बात कर सकेंगे और लोग आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे लेकिन अगर आप अक्सर उनके नॉन वर्बल मैसेजेस से पूरी तरह से बेखबर होते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा एक इमोशनल उथल पुथल ही होगा जो रिलेशन में मुश्किलें पैदा कर सकता है रीअश्योरेंस यंग लोगों में अंगूठों को एक दूसरे से रगड़ते हुए हाथ दबाना सबसे आम साइन में से एक है जहाँ उन्हें रीअश्योरेंस की जरूरत होती है इस दौरान हाथ से पिंच करना कुछ चबाना या सक करने के लिए मुंह में पेन या पेंसिल डालना एक और जशर है जब कोई फीमेल कुछ ऐसा कहती या सुनती है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है तो उन्हें श्योर करने के लिए बहुत ही प्यार से समझाने की जरूरत होती है ऐसे में अगर आप उनसे पूछे कि आपने अभी जो कहा उसके बारे में आप श्योर हैं वो शायद आपको एश्योर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही है या वो डिफेंसिव हो जाएंगी और जवाब देने से मना कर देंगी दोनों ही मामलों में वो सिग्नल दे रही हैं कि उसने जो कहा है उस पर उन्हें पूरा विश्वास नहीं है और एक बार दोबारा से अश्योरेंस की जरूरत है एक और साइन है जो रीअश्योरेंस को दिखाता है वो है हाथ के फ्लैशी वाले हिस्से को पिंच करना इसका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों करते हैं हालांकि ये फीमेल में ज्यादा नॉर्मल है एक स्टडी में ऑथर ने पहले पार्टिसिपेंट्स को कॉफी दी ताकि वो प्लेबैक देखते टाइम अपने हाथों को बिजी रखे वो ये देखना चाहते थे की कितने लोग कॉफी पीना बंद करके पिंच करना शुरू कर देंगे उन्होंने पाया की उनमें से ज्यादातर लोगों ने पहले कप को अपनी आंखों के सामने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जैसे कि वो उन्हें एक जरूरी काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो फिर इसे नीचे रख दिया और पिंच करना जारी रखा उंगलियों के अलग अलग साइन लोगों की चिंता या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते हैं रीअश्योरेंस की जरूरत वाला एक बच्चा अंगूठा चूसता है और एग्जाम के बारे में परेशान एक स्टूडेंट अपने नाखून काटता है और पेमेंट डेट के बारे में परेशान एक टैक्स पेयर अपनी क्यूटिकल्स को तब तक नोचता है जब तक उनमें दर्द न हो जाए कभी कभी स्टूडेंट और टैक्स पेयर उंगलियों की जगह पर दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और काटने के साइन के लिए पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को प्लास्टिक मेटल या लकड़ी का टेस्ट पसंद नहीं आता वो कागज या कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अगर आप ऐसे टाइम में जरूरत के अकॉर्डिंग एश्योरेंस दे सके तो अपने अपोनेंट को साथ किया जा सकता है कॉपरेशन इसमें आप जानेंगे कि जो लोग सच में हेल्प करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा कैसे एक्सप्रेस करते हैं और एक टीम मीटिंग का हिस्सा थे इसमें शामिल इश्यूज थे पेटेंट राइट इक्विटी पोजिशन रॉयल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कस्टमर्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा सेल्स के लिए मोटिवेट करना जैसे ही बातचीत शुरू हुई अपोनेंट टीम के मेंबर्स में से एक ने कुर्सी पर आगे की तरफ बैठकर पंजों पर पैर रखकर नॉन वर्बली ये जताना शुरू किया कि वो इसके लिए तैयार है ऑथर की टीम के मेंबर ने उसकी बातों को ओपन माइंडेड होकर सुना और उसके ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से सेटिस्फाई किया इससे वो वो हुए और वो उनकी टीम के लिए अच्छे सपोर्टर बन गए। उन्होंने दोनों पार्टी के कंसर्न को समझा और दोनों के फायदे के लिए ऐसा तरीका बताया जिससे दोनों का फायदा हो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा कि कोई आपका सपोर्ट कर रहा है लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया वो आपको पहले नाम से बुला रहा था लेकिन अब उसने आपको फॉर्मली बुलाना शुरू कर दिया उसकी मुस्कुराहट बदल सी गई और वो आपको नीचे की तरफ झुकी हुई आईब्रो से घूर रहा था इस तरह के अचानक बदलाव से डील करने के लिए आपको शायद पूरी तरह से एम्बेस महसूस कराया होगा रियलिटी में उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई होगी ऐसे में बेहतर यह है कि कॉपरेशन से रेसिस्टेंट की तरफ मुड़ने ही ना दे इसके बजाय उनके हाव भाव को देखकर उनके रिस्पॉन्स आरोप नजर रखे ये कुछ कॉपरेटिव सिंबल हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं कुर्सी के किनारे पर बैठकर ये कॉपरेटिव सिंबल है कि आप जो कह रहे हैं उसमे सच में इंटरेस्टेड हैं इसका एक एग्जांपल ये है कि एक बायर कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए एक्साइटमेंट दिखाने के लिए अपना वजन कुर्सी के किनारे की तरफ बढ़ा लेता है फेस टू फेस हैंड जेस्टर दे हाथों को क्रॉस करके ना बैठे बल्कि हाथों को खुला रखे और बातचीत में जेस्टर के लिए इस्तेमाल करते रहे कोट के बटन खोले ये जेस्टर न सिर्फ ये बताता है की आप सामने वाले और उनके थॉट के लिए ओपन है बल्कि वो जो आपसे कह रहे हैं हैं उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं झुका हुआ सिर बीच बीच में सिर झुकाकर बात करने से शो होता है कि आप जितना साथ दे सकते हैं उतना देने के लिए तैयार हैं, आप उनकी बातों के लिए क्लोज माइंडेड नहीं हैं, बल्कि इंटरेस्ट ले रहे हैं फ्रस्ट्रेशन कसकर दबाए हुए हाथ फ्रस्ट्रेशन का साइन है अपने सेमिनार में ऑथर ने, ने बातचीत की एक वीडियो टेप रिकॉर्डिंग देखी जिसमें पार्टिसिपेंट जब टेंशन में हो जाते हैं तो अपने हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं बातचीत के आखिरी हिस्से के दौरान वो मेज पर दोनों हाथ कसकर बैठे रहते हैं उनकी बोली गई बातों और हाव भाव के बीच एक अलगाव सा दिखता है इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए भी किया जाता है कि कैसे कभी कभी हम जो बात कहते हैं लोग उसका कुछ और ही मतलब समझ रहे होते हैं तो हम नॉन वर्बली ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है इस एग्जाम्पल में पार्टिसिपेंट को ये लग रहा है कि उनका ओपोनेट उन्हें मैं जीतता हूँ और तुम हारते हो इस तरह वाली बातचीत से उसकी इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो अपने हाथों को दबा लेते हैं अपने ओपोनेंट को घूरते हैं अपनी बॉडी को अटैक मोड में रखते हैं और अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं एक ओपन माइंडेड इंसान हूँ और इसे सॉल्व करना चाहता हूँ उसके अपोनेंट को लगता है कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन उसके बिलीफ के अपोजिट है और जो कहा गया है उस पर भरोसा नहीं है इससे उसे झूठा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो बातचीत में जीत के लिए और भी ज्यादा कोशिश करके रिस्पॉन्स करता है उसका ये तरीका खराब साबित होता है क्योंकि बढ़ी हुई एग्रेशन से सामने वाले का डर बढ़ जाता है इस पॉइंट पर फ्रस्ट्रेटेड इंसान या तो बातचीत को खत्म कर देता है या बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ सकती है जब आप उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं करते इस मामले में एक बार स्पीकर को या लिस्टनर को जिसे अटैकिंग माना गया था उसको सामने वाले के मन में मौजूद शक को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी जो लोग अपने हाथों को कसकर पकड़कर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेटेड इंसान को तसली और एश्योरेंस देने की जरूरत होती है ताकि किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुँचा जा सके कॉन्फिडेंस स्टीपल पोजिशन में बैठना ये जश्न तब किया जाता है जब लोग अपनी उंगलियों को जोड़ते हैं और चर्च स्टीपल की तरह एक चीज बनाते हैं इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट सेटिस्फाइड और प्राउड महसूस कर रहे हैं ये शो करता है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आपको पूरा यकीन है ट्रिपलिंग दो तरह से होती है ओपन और कन्वर्ट फॉर्म फीमेल्स आमतौर तो पर कवर्ट फॉर्म और लोअर स्टलिंग जेस्टर का इस्तेमाल करती हैं। वो बैठते टाइम अपने हाथों को अपनी गोद में रखती हैं और खड़े होते टाइम अपनी उंगलियों को बेल्ट की जगह थोड़ा सा जोड़ लेती हैं। आप जितना ज्यादा इंपोर्टेंट महसूस करते हैं उतना ही ऊपर अपने हाथों को रखते हैं ट्रिपलिंग का एक दूसरा तरीका है जब हाथों को ज्यादा नजदीक से जोड़ा जाता है ये ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का सिग्नल है डेस्क पर पैर रखकर बैठना भी कॉन्फिडेंस दिखाने की निशानी है जो दो लोग चीजों पर अपना पैर रखते हैं वो नॉन वर्बली डोमिनेंस और ओनरशिप को दिखाते हैं हैं ऐसा अक्सर बॉस करते कार ओनर्स को आपने अक्सर अपनी कार के बारे में किसी से बात करते टाइम अपनी कार को छूते और उसकी तरफ झुकते हुए देखा होगा ये भी सिग्नल है कि वो अपनी गाड़ी पर ओनरशिप दिखा रहे हैं इसके अलावा आपने अक्सर कपल्स को अपने पार्टनर की कमर के चारों तरफ हाथ रखते हुए देखा होगा वो नॉन वर्बली ये कहना चाहते हैं या चाहती है कि उस इंसान पर सिर्फ मेरा राइट है और किसी का नहीं ये जैसर न सिर्फ राइट बल्कि अपने पन को भी दिखाता है नर्वसनेस लोग जानबूझकर अपनी बात छिपाना चाहते हैं वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर लेनर से छह से बारह इंच की दूरी पर बात करते हैं ये सिग्नल है कि वो नर्वस हैं। इसके अलावा नर्वसनेस में कभी कभी एक पर्सन अपनी कोहनियों को मेच या डेस्क पर रखता है और अपने फोर आर्म से एक पिरामिड बनाता है और दोनों हाथों को एक साथ सीधे अपने मुंह के सामने रखता है वो न सिर्फ बात करते टाइम बल्कि सुनते टाइम भी ये पोस्टर रखता है ऐसे लोग अपने सामने वाले के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हैं जब तक आप खुद से उनसे खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक वो भी शर्म की वजह से खुलकर बात नहीं करेंगे इसके अलावा बैठते टाइम पेंट खींचना भी नर्वसनेस की निशानी है पेंट खींचने के साइन डिसीजन प्रोसेस से जुड़े हैं जब किसी के दिमाग में कोई डिसीजन चल रहा होता है तो वो अपनी पेंट को ज्यादा खींचता है और अपनी कुर्सी पर भी हिलने डुलने लगता है डिसीजन लेने के बाद पेंट खींचना बंद हो जाता है इस बिहेवियर को बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा इंसान डिसीजन लेने के कितना करीब है जो जितना ज्यादा तेजी से मूव होगा उसके डिसीजन के करीब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। सेल्फ कंट्रोल हमें कम उम्र से ही सिखाया जाता है कि गोल और पर्पस को पूरा करने के लिए पेशेंस और प्रेज जरूरी है इसके लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है हम निराशा पर काबू पाने और अपना आपा खोने से बचने के लिए अक्सर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं यह हमें सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से बिहेव करने की परमिशन देता है एक हाथ को पीठ के पीछे पकड़ना और कसकर दबाना जबकि दूसरे हाथ से कलाई या आम को पकड़ना सेल्फ कंट्रोल का एक नॉर्मल तरीका है इन्हें कई बिजनेस मीटिंग या पब्लिक इवेंट में देखा जा सकता है जब कोई इंपॉर्टेंट इंसान स्ट्रेस दबाव या चिंता से घिरा होता है फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है बंद एंकल्स और भिछे हुए हाथ भी सेल्फ कंट्रोल को दिखाते हैं अपनी लाइफ के उस मोमेंट को याद करें जब आप डेंटिस्ट के पास गए थे जब आपके दांतों की ट्रीटमेंट की बारी आने वाली थी उससे पहले अपने पैरों को नोटिस किया हो तो आपकी एडिया बंद होंगी और हाथ भिछे होंगे आम तौर पर हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दबाने के लिए इस पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं जॉब के लिए इंटरव्यू की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कई लोग अपनी एडियो को बंद करके बैठते हैं एक बार इंटरव्यू के दौरान जब वो अनकंफर्टेबल, चिड़चिड़े या जो कुछ भी हो रहा है उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं तो अपनी एडियो को इस तरह से बंद कर लेते हैं अगला साइन है हाथ को रोकना या कलाई को पकड़ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते टाइम इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस बिहेवियर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं जब कोई इंसान गुस्से में अपनी फीलिंग को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो डिस्परेशन में अपना सिर खुजलाने लगता है या अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ने लगता है फिर वो मोजैक मोमेंट ये धमकी वाले पोज दिखाने लगते हैं जैसे अपनी मुठिया बीचना अपनी कलाई या बाह पकड़ना या डराने के लिए धमकी वाला एक कदम आगे बढ़ाना एंड में वो अपनी फीलिंग को एक जगह जैसे मेज पर मुट्ठी से पीटना या दरवाजे पर लात मारकर एक्सप्रेस करते हैं ये एक्टिविटीज ऐसे साइन हैं जिनके बारे में आपको दूसरों के इमोशनल स्टेट से जुड़ने और उनका सामना करने के लिए अवेयर होना चाहिए सैडनेस हाथ में सिर रखना बोरियत का साइन है इसमें हाथ की हथेली में सिर का बोझ होता है और आंखें झुकी रहती है जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो इंसान किसी भी फीलिंग को छिपाने की जहमत नहीं उठाता वो बस अफसोस की पोजीशन में अपना खुला हाथ अपने सिर के किनारे पर रखता है अपनी ठुड्डी को झुकाता है और पलकों को झुकने देता है जिससे उसकी आंखें आधी ढक जाती हैं। बोरियत का एक और साइन है खाली घूरना इसमें सामने वाला इंसान ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा सामने वाला इंसान आपको एक जॉम्बी जैसी नजरों से देखता है उसके बारे में आपको लगता है की वो सुन रहा है लेकिन असल में उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है इसमें वो आपको सिर्फ देखता रहता है उसकी आंखें शायद ही कभी चपकती हैं। पल के झपकाने की कमी ये सिग्नल देती है कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में है और आंखें खोलकर सो रहा है उनके मन में आपको लेकर बहुत दुश्मनी है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बहुत बोरियत महसूस कर रहा है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस के साइंस दूसरों से हमें मिलने वाले रेस्पॉन्स और सहमति को दिखाते हैं इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप रियल में लोगों को परख सकें लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन में से एक किसी ऐसे इंसान का सामना करना है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो आपकी बातों से एग्री करता है लेकिन असल में वैसा नहीं है ऐसा अक्सर रिलेशन में होता है आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन असल में वो आपको धोखा दे रहा होता है इसलिए एक्सेप्टेंस के जरिए आप ऐसे इंसान को परख सकते हैं कि वो भरोसे पर कितने कायम है उसके साइन को पल पल बारीकी से समझना बेहतर समझ की राह की शुरुआत है हाथ को चेस्ट पर रखने का जेस्टर क्लियरली एक्सेप्टेंस को दिखाता है इसका मतलब है कि वो इंसान आपका कल्चर तरीके और थॉट्स का पूरा सपोर्ट करता है सदियों से इंसान वफादारी ईमानदारी और भक्ति की फीलिंग को दिखाने के लिए अपने सीने पर हाथ रखता है यह जैशर एंसियंट रोमन टाइम से चलता आ रहा है जब रोमन आर्मीज में वफादारी दिखाने के लिए अपना एक हाथ चेस्ट पर और दूसरे हाथ से ग्रीटिंग किया जाता था यह जैशर हम इंडियन भी अपने झंडे के लिए लॉयल्टी का वादा करते टाइम इस्तेमाल करते आपके दोस्त विश्वास करें आपने हथेली को बाहर लाकर अपना हाथ उठाने के अलावा सपोर्ट के लिए अपना दूसरा हाथ अपनी चेस्ट पर ले आए थे फॉर्मल ओकेजन को छोड़कर फीमेल सच्चाई डेडिकेशन और वफादारी को दिखाने के लिए बहुत कम इस साइन का इस्तेमाल करती है इसकी बजाय जब एक फीमेल अपने एक या दोनों हाथ को अपनी चेस्ट पर लाती है तो यह आमतौर पर एक डिफेंसिव जेस्टर होता है जो अचानक शॉक या सरप्राइज का सिग्नल देता है टच करना भी एक्सेप्टेंस का जेस्टर है ज्यादातर लोग जिन लोगों को पसंद करते हैं उन्हें अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी बातों से एग्री हैं। जो लोग सिर्फ आगे बढ़ते हैं और दूसरे को छूते हैं या सामने वाले के कंधे या आम को पकड़ते हैं वो किसी बात को बीच में रोकना या उस पर जोर देना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग टच करने को एक शांत फीलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर इसका मतलब होता है की आप चिंता मत करो मैं साथ हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा थैंक यू दोस्तों तो ये थी रीड पीपल एक बुक की समरी तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इनको इंप्लीमेंट करना याद रहे हाथों को बाहर की तरफ खोलकर बातें करना और कोट के बटन खोलना ओपननेस की निशानी है कि सामने वाला आपकी बातों को सुनने के लिए ओपन माइंडेड है और सुनना चाहता है क्रॉस आर्म पोजीशन डिफेंसिव पॉस्टर है जिसमें सामने वाला नॉन वर्बली आपसे ये कहना चाहता है कि आपकी बातें या आपका कहने का तरीका उसे पसंद नहीं आ रहा है और इसे बदलने की जरूरत है थोड़ा सा सिर झुकाकर सोचना इवेल्यूशन की निशानी है इस पॉस्चर में इंसान किसी डिसीजन के बारे में बहुत ध्यान से सोच रहा होता है अगर कोई एग्जिट की तरफ देखकर कुर्सी पर बैठा है जिसमें उसकी बॉडी या पैर दरवाजे की तरफ है तो वो नॉन वर्बली ये कहना चाहता है कि आप जल्दी से पूरा करो मुझे जाना है इसके अलावा हाथ को चेस्ट पर रखने का जेस्टर क्लियरली एक्सेप्टेंस को दिखाता है इसका मतलब है की वो इंसान आपके कल्चर तरीके या थाट्स का पूरा सपोर्ट करता है थैंक यू दोस्तों अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप हर हफ्ते हमारी दोनों ही बुक समरीज को एंजॉय कर सकें और कंसिस्टेंटली कुछ नया सीख सकें। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं की नेक्स्ट बुक समरी आप हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ थैंक यू सो मच